हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्सीएसएच। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक और दो के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। दोस्तों काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है डॉक्यूमेंट में और काफ़ी सारे आपके मन में डाउट्स है, कहाँ से क्या करवाना है, कहाँ से डिक्लेरेशन फॉर्म बनवाना है, ये मिस्टेक है तो आपको क्या करना है, तो सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि इस डिजिटल जनरेशन में ऑनलाइन तरीके से स्टडी करने के लिए डाउनलोड कीजिए परीक्षा ऐप को दोस्तों, और यहाँ पर आपको मिलते हैं बीपीएससी, यूपीएससी, पटवारी, पुलिस, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग परीक्षा, सेना, नौसेना, एयरफोर्स सहित सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है स्टडी मटेरियल ऑनलाइन। और इस ऐप के माध्यम से दोस्तों आपको डेली करंट अफेयर्स और रोजगार समाचार भी देखने को मिलते हैं। तो आप जब भी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर पैड स्टडी मटेरियल्स भी हैं और कुछ फ्री भी है, तो पैड मटेरियल्स आपको लेने के लिए दोस्तों कुछ 40% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं टेक CSH 40। ठीक है दोस्तों, तो ये कोड यूज़ करके आप अपना स्टडी मटेरियल परचेस कीजिए, और यह जो ऑफ़र है दोस्तों फर्स्ट 100 यूज़र्स के लिए है दोस्तों, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और परचेस कीजिएगा अपने हिसाब से अपना स्टडी मटेरियल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं स्वयं के नाम में गलती। ओके दोस्तों, स्वयं के नाम में गलती यानी कि दोस्तों किसी का नाम है आदित्य और उसका सरनेम नहीं है उसके डॉक्यूमेंट में तो क्या होगा। और अगर दोस्तों किसी के नाम की कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है जैसे कि आदित्य और लास्ट में सिंगल ए आप लगाते हैं और किसी डॉक्यूमेंट में दोस्तों डबल ए लग गया है तो इसका क्या होगा। और दोस्तों लास्ट नेम यानी कि आपके जो फादर जो मदर हैं उनके लास्ट नेम है और किसी डॉक्यूमेंट में उनका लास्ट नेम है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना। तो दोस्तों इन सब बातों से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अपने तहसील में जाइएगा और वहाँ से बनवा लीजिए एक डिक्लेरेशन, और उस डिक्लेरेशन के माध्यम से दोस्तों आप डिक्लेयर कर दीजिए कि ये जो है आपका एग्जैक्टली नेम है, ये अपना एग्जैक्टली सरनेम है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं दोस्तों शादी से पहले के डॉक्यूमेंट। अब शादी से पहले के डॉक्यूमेंट से मतलब है दोस्तों अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं और आपकी शादी जो हुई है वो अदर स्टेट में हो चुकी है, सपोज़ यूपी, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा। अगर कोई यूपी का है, अगर यूपी से अगर आपने लड़की की शादी की है और एमपी स्टेट के लड़के से, तो क्या होगा इस कंडीशन में कि उनके जो डॉक्यूमेंट में वहाँ पे फादर का नेम है, ठीक है, फादर का नेम हो गया है, और साथ में दोस्तों अगर उनके डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड, पैन कार्ड हो गया, तो वहाँ सब जो है अदर स्टेट के हैं, तो आपको इस कंडीशन में अब क्या करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों क्या कीजिएगा, डिक्लेरेशन बनवा लीजिएगा या फिर दोस्तों आपको ये जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपको बनवा लेना। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों कुछ नहीं लगता, शादी का कार्ड लगता है, उसके बाद पति या पत्नी का जो माला कार्यक्रम होता है जो उसका फोटो होता है वो लगता है, और उसके इम्पोर्टेंट बात आती है कि कहाँ से बनेगा, तो दोस्तों महिला के जहाँ का जहाँ भी वो रहती है वहीं से बनेगा, और जो पुरुष है वो जहाँ से बिलोंग करते हैं वहीं से बनेगा। अब बात आती है दोस्तों क्वालिफिकेशन योग्यता के बारे में, तो जो भी आपके जो रिजल्ट्स हैं जैसे कि किसी ने बीएससी कर रखा है, ठीक है, अब बीएससी कर रखे हैं 6th सेम उसमें होते हैं, किसी का थर्ड ईयर का रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है तो क्या हो रहा है, तो अगर उनके पास लास्ट ईयर का है तो इस कंडीशन में अब क्या होगा। तो अगर इनके पास अगर लास्ट ईयर का अगर आपके रिजल्ट है तो उससे काम चल जाएगा, सब कुछ वहाँ पर लास्ट ईयर में सब कुछ मेंशन किया होता है फर्स्ट से लास्ट तक। और दोस्तों फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं है तो आप डिक्लेरेशन बनवा लीजिए कॉलेज जा करके। और अब नेक्स्ट बात आती है दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया। अब यह क्वेश्चन आता है कि पुराने वाले चलेंगे नहीं चलेंगे, पुराने वाले जो दोस्तों होते थे पुराने ओल्ड होते थे और अब जो नए चलते डिजिटली, तो डिजिटल वाला चलेगा या नहीं, पुराना चलेगा या नहीं, और तो पुराने चले या नहीं चले दोस्तों इस पर आपको कोई गौर नहीं करना है, पुराने भी चलेगा और नया वाला भी चलेगा, और अगर संतुष्ट नहीं है तो बनवा लीजिएगा, 2 से 3 दिन लगता है नए बनवाने में। ओके, तो आप ये भी बनवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आगे हम चलते दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है फॉर्म मिस्टेक। ओके दोस्तों, तो फॉर्म मिस्टेक में क्या है, किसी ने मेल सिलेक्ट कर लिया जबकि वो फीमेल है, कोई फीमेल है तो उन्होंने जो मेल सिलेक्ट कर दिया गलती से फॉर्म में, और उसके बाद दोस्तों किसी ने गेस्ट सर्टिफिकेट है नहीं है तो उस पर टिक कर दिया है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा। और साथ ही दोस्तों फॉर्म भरते समय जो है दिव्यांग का जो आपका सर्टिफिकेट है वो नहीं था तो आपने फॉर्म भरते समय दोस्तों उस पर नो कर दिया है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों, एक डिक्लेरेशन फॉर्म बनवा लेना है, उसमें आपको सब कुछ मेंशन करवा लेना है। ठीक है, और हम आगे बात करें दोस्तों तो वर्ग एक
और वर्ग दो, ये जो आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो वर्ग, कोई कोई बोल रहे हैं कि वर्ग एक में जो गेस्ट सर्टिफिकेट जो लगाया है वो वर्ग दो में वर्क नहीं करेगा, वर्ग दो का वर्ग तीन में वर्क नहीं करेगा, वर्ग तीन का वर्ग एक में वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने 200 दिन अगर आपने शिक्षक अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ा है, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड रहेगा, वो कहीं पर भी चल सकता है, वर्ग एक में, दो में, तीन। तो दोस्तों हमने डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन और नैम मिस्टेक स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड आपको सारी कुछ जानकारी दे दी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो दोस्तों काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और लिंक दोस्तों इस ऐप की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कीजिए। और TECHSS40 ये जो कोड है उसको आप यूज़ कीजिएगा, और दोस्तों 40% जो है डिस्काउंट पाइए। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और बेल आइकन रिंग को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को जो है शेयर करना।